हेलो गाइस, आशिका'स लाइफस्टाइल मेकअप क्रंच में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो आप लोग देख पाए। टुडे आई मेक कोलकाता स्टाइल भेटकी फिश फ्राई, सो यम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमने यहाँ पे 35 पीसेस ऑफ भेटकी फिलेट्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जिसको हमने अच्छे से धो कर रखा है। हमने यहाँ पर हल्के वार्म वाटर, गर्म पानी ले लिए हैं। उसमें हम थोड़ा सा नमक देकर और नींबू का रस निचोड़ कर, एक नींबू का रस पूरा देना है इसमें। हमने यहाँ पर एक नींबू का रस पूरा यूज़ किए हैं और ये पानी में हम भेटकी के जो फिलेट्स हैं वो सब हम भिगो कर रखेंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि भेटकी फिलेट के ऊपर जो मछली के ऊपर एक ऑयल होता है, वो ऑयल के जो एक स्मेल आता है फ्राई करते वक्त, वो स्मेल चला जाता है। इसीलिए हम ये प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। ये प्रोसेस आपको कोई भी नहीं दिखाएगा, हम ही दिखाएँ। अभी हम जो मछली थे फिलेट्स, वो फिलेट्स को हम वो गर्म पानी में हम भिगो कर रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट्स के लिए हम इसको भिगो कर रखेंगे और इसका जो ऑयल है ताकि ये निकल जाए। देखिए थोड़ा सा निकलने स्टार्ट हुए हैं ऑलरेडी। मैरिनेट करने के लिए लगेगा नमक, स्वाद अनुसार नमक, चॉप्ड कोरिएंडर, हमने यहाँ पर 5 ग्रीन चिलीज पेस्ट बना लिए। आपको जैसा तीखापन चाहिए वैसा आप चिलीज ऐड कर सकते हैं। अदरक पेस्ट, अनियन पेस्ट, थोड़ा सा अनियन पेस्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, अच्छे से फ्लेवर आते हैं। और लहसुन पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, और लगेगा पुदीने के पत्ते एंड मास्टर सॉस, बंगाली में हम इसको कासुंदी बोलते हैं। और यहाँ पर लगेगा वाइट पेपर पाउडर, इसको शाम मरीच भी कहते हैं। इससे देने से एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब इन सब मसाले को एक साथ ऐड करेंगे। एक बोल में हम एक मसाला, एक मिक्सचर बना ले रहे हैं। सब इंग्रेडिएंट्स एक साथ देना है, अदरक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, सब कुछ देखिए एक साथ अच्छे से मिला लेना है। और इसी पेस्ट के साथ, इसी मसाले के साथ हम जो फिलेट था वो फिलेट्स सबको हम एक साथ अच्छे से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। और आप 1 घंटे 2 घंटे से भी रख सकते हैं और इसको मैरिनेट करके भी बहुत दिन तक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रीजर में डीप फ्रीज करना पड़ेगा तभी आपको। और चॉप्ड धनिया पत्ता देकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं शाम मरीच, व्हाइट पेपर पाउडर। अब सब चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें जो भेटकी फिलेट्स हमने भिगो कर रखे थे वो पानी फेंक कर, ये जो भेटकी का फिलेट्स है वो सबको हम एक साथ इस बोल में मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे, ताकि हर फिश फिलेट में ये मसाले लग जाए अच्छे से और मैरिनेट भी हो जाए। मैरिनेट करने के बाद ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। देखिए हमने यहाँ पर सब अच्छे से मैरिनेट किए हैं। अब ये मैरिनेट किया हुआ फिश में हम एक अंडे फेंट के, एक नमक के, थोड़ा सा नमक के साथ फेंट के हम इसमें मिला लेंगे अच्छे से। हमने यहाँ पर, आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमने यहाँ पर अंडे क्यों यूज़ किए हैं, ताकि अंडे अलग से यूज़ करने से क्या होता है कि बहुत गंदा होता है, इसका मसाले भी अंडे में गिर जाता है, अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर अंडे को एक साथ मछली के साथ, फिलेट के साथ हमने यहाँ पर एक साथ मिला लिए हैं, ताकि ब्रेड क्रम्स लगाने से कोई दिक्कत ना हो। हमने अभी एक पेपर के ऊपर हमने जो ब्रेड क्रम्स है वो हम ब्रेड क्रम्स को अच्छे से चिरोक कर फैला लेंगे। उसके बाद एक एक करके जो मसाला किया, मैरिनेट किया हुआ फिलेट है, फिश फिलेट, उसको हम
ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। ताकि मसाला एकदम ना निकले, अच्छे से कोट करना है, हल्का कोट है, जस्ट सिंपल सिंगल कोट करना है। सिंगल कोट यहाँ पर हम क्यों कर रहे, कारण यही है कि सिंगल कोट करने से मछली का जो स्वाद है वो समझ में आता है, और डबल ब्रेड क्रम्स के कोट होने से अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सख्त होता है, हार्डी हो जाता है। इसे क्या होगा, नरम रहेगा एक कोट से। नाउ ये बनके एकदम तैयार है। अब इसको हम ब्रेड क्रम्स को थोड़ा सेट होने के लिए हम 5 मिनट्स के लिए और 2 मिनट्स के लिए भी आप रिफ्रिजरेटर में थोड़े देर के लिए रख सकते हैं। फ्रीजर से निकालने के बाद देखिए कुछ इस तरह होगा दिखने में, और इसका जो ब्रेड क्रम्स है सब कुछ अटक गया है। और अभी हम इस फिश फ्राई को फ्राई कर लेंगे, सब फिश फ्राई को फ्राई कर लेंगे अच्छे से, एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा कलर। ये देखिए कुछ तकरीबन ऐसा होगा कलर, ये ज़्यादा गोल्डन हो गया, ये एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर है। ऐसे करके और सारे जो फिश फ्राई हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। तो मेरा फिश फ्राई एकदम रेडी है, इसको हमने क्यूकम्बर के साथ और मस्टर्ड सॉस के साथ सर्व किए हैं। आप चाहे तो सॉस और मेयोनीज के साथ भी कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये रेसिपी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए कैसा लगा इसका वीडियो, और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, लव देते रहिए। थैंक यू।